बर्गर, वैसे तो फ्रेंच फ्राइज भी बहुत अच्छे से बनाए हैं पू ने। थोड़ा सा फीवर है अंदर जो आपको। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। और आज आप पूछ लीजिए कोहू से कि उसको कैसा फील हो रहा है। कल तो कोहू की तबीयत बड़ी खराब थी, आज कैसा फील हो रहा है कोहू? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, बेटर लग रहा है कल से? हाँ। लेकिन मॉर्निंग में बता रही थी पेट में दर्द, आज तो थोड़ा सा इसको बेटर लग रहा है। और आज कोहू ये बताओ कि हमारे यहाँ पे क्या हुआ है? बारिश। आज हमारे यहाँ मॉनसून की पहली बारिश हुई है। आज बारिश हो रही है, इतने दिनों से ना हमारे यहाँ पे बड़ी गर्मी हो रही थी, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही थी, और आज बारिश हो रही है। इतना अच्छा वेदर हो रहा है ना, कोहू कह रही है कि मम्मा मुझे ना नीचे लेके चल लो, यहाँ लेके चल लो, वहाँ लेके चल लो। लेकिन मैंने बोला शाम को लेकर जाएंगे, देख लेंगे थोड़ी देर के लिए, पहले अपनी तबीयत देख लो कि तुम्हें कैसा फील हो रहा है, तब लेकर जाएंगे। हाँ, दो दिनों से हवा चल रही है। रात रात को हम नीचे जा रहे ना, और मम्मा को लगा कि बारिश होगी। कल को की तबीयत ठीक नहीं थी मेरे बाबू की, और आज लेकर जाएंगे अगर शाम को अच्छा रहा। पहले तो मैं सोच रही थी कोहू को थोड़ा सा दूर ले जाएंगे, लेकिन अभी इंडिया गेट कह रही थी। इंडिया गेट में कह रही थी, लेकिन फिर तबीयत इसके भी थोड़ा सा देख लेते हैं एक दो दिन कैसी है, फिर उसके बाद सोचेंगे। वैसे भी कोहू के मामू का बर्थडे आ रहा है, आफ्टर वन डे कोहू के मामू का बर्थडे है, तो कोहू उसके लिए भी एक्साइटेड है। वैसे आपको पता है कोहू और कोहू के मामू का बॉन्ड कैसा है? ये दोनों ना लड़ते रहते हैं एक दूसरे से, ऐसे करते हैं जैसे मतलब दोनों छोटे बच्चे होंगे। चलो कोहू तो छोटी है, बट इसका मामू ने इसको बहुत परेशान करता है, ये फिर चिढ़ जाती है, फिर लड़ती है उनसे। बहुत चिढ़ाते हैं। तुम काली हो, ये हाँ कुछ कुछ बोल बोल के चढ़ते, मैं तुम्हारी ये चीज ले जाऊंगा, मैं तुम्हारी वो चीज ले जाऊंगा, तुम्हारा आईपैड ले जाऊंगा, तुम्हारा ये ले जाऊंगा, वो ले जाऊंगा, बस यही करते रहते हैं कोहू के मामू तो। लेकिन कोहू ने ना अपने मामू के लिए कुछ बनाया, हम आपको जरूर दिखाएंगे क्या बनाया। और अभी हम आपको ना बाहर का वेदर दिखाते हैं, आज बारिश कितनी बढ़िया हो रही है, और अगर कोहू शाम को नीचे जाएगी तो देखना कितना एंजॉय करने वाली है इस ऑसम वेदर में। लगता है मानसून स्टार्ट हो गया, समर ऐसा लग रहा है। अभी बहुत तेज नहीं आ रही है, लेकिन आ रही है, टिप टिप बरसा पानी। कू अब तक हमने ना आपके फ्रेंड्स को ना एक चीज दी दिखाई है किसी क्या? भी व्लॉग में आज दिखाएं क्या? ये देखो ये देखो, हमारे घर में ना कबूतर ने 2 अंडे दिए थे। हाँ। अभी उनके बच्चे निकल गए और इतने बड़े हो भी गए। पहले तो ये बिल्कुल ना येलो येलो से थे, है ना कोहू? बताओ अपने फ्रेंड्स को कैसे थे? पहले येलो से थे, फिर थोड़े थोड़े व्हाइट से हुए, और ग्रे हो गए। अब ये ग्रे हो रहे हैं धीरे धीरे। हमने मतलब ना जब उसने अंडे दे दिए ना, फिर हमने सोचा कि चलो इनको रहने देते हैं यहीं पे। पहले हमने सोचा था हम ना इनको बाहर बाहर रख देते हैं, लेकिन फिर हमें लगा छोड़ो यार, मतलब उसके बच्चे बच्चे हो जाएंगे, जब उड़े उड़े उठने लग जाएंगे तो अपने आप यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन ना बड़ी गंदगी मचा दी इन्होंने हमारे इस गमले में। लेकिन चलो अब कोई बात नहीं, अब तो थोड़े दिन बाद लग रहा है ये उड़ जाएंगे। गमले पे चिपका दी बेचारे। इनकी मम्मी ना वैसे हर टाइम इनके पास बैठी रहती है, लेकिन आज पता नहीं 1-1.5 घंटे से वो गायब हो रखी है, पता नहीं कहाँ गई है। एसी के ऊपर है? एसी के ऊपर नहीं है वो, एसी के ऊपर नहीं रहती है। जब भी वो यहाँ पर आती तो वो इन्हीं के पास बैठती है, तो योगी कहीं खाना लेने के लिए निकले। नहीं, ये जो है ना, ये ग्रीन ग्रीन से इनके नीचे आपको दिख रहा है ना, ये हमने अपने घर में रखा था घास। हाँ, ये घास, और उसने वहाँ पे बिछा लिया, घोंसला बनाने की तैयारी करने लग गई ऐसा लग रहा है। उसको ऐसा लगा कि वाह यार, घोंसला बनाने के लिए घास दे रहे हैं। उड़ नहीं पाते हैं अभी ये, और डर जाते हैं। इनकी मम्मी होती ना, अभी तक हमें काटने को आ जाती है ना कोहू। हाँ। कैसे देखती है ना वो गुस्से में, जब भी हम बाहर आते हैं हमारे बालकनी में आना बंद कर रखा है इसने। कोहू दिखा रही है कि उसने अपने मामू के लिए क्या बनाया है, ये देखो। इधर तो कोहू ने लिखा हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू, मे गॉड ब्लेस यू। आगे क्या लिखे हुए, निशु मामा हैप्पी बर्थडे टू यू, अभी देख रहे हो। और ऑन बैक पेज देयर इज अ गिफ्ट, और देखोगे आप कोहू का गिफ्ट क्या है, दिखाओ जरा कोहू। ये देखो खाना कितनी सारी। हाँ, ये चौमिन है, ये नाचोस है, और ये वो आइसक्रीम है, क्या बोलते हैं, ये आइसक्रीम है, ये बर्गर है, सबसे सुंदर ना ऐसा लग रहा है। देखो
जैसे कि कून ने ना सबसे सुंदर बर्गर, वैसे तो फ्रेंच फ्राइज भी बहुत अच्छे से बनाए हैं कून ने, और मतलब क्या बोलते हैं छोले भटूरे क्यों बनाया आपने ये सब खाने का सामान, ये तो बता दो अपने फ्रेंड्स को। मैं ना और पता है मम्मा को क्या बोल रही थी? हाँ, कि मैंने इतनी अच्छी अच्छी खाने की चीजें बनाई है, कहीं ऐसा ना निशु मामा ये पेज ही खा जाए कू की सारी चीजें खाने के चक्कर में। कुहू के मामू को ना खाने पीने का बहुत शौक है, इसलिए कुहू ने उनके लिए बहुत सारी खाने की चीजें बनाई हैं। उनको बस खाना पसंद है और कुछ पसंद नहीं है। कुछ ढंग का गिफ्ट भी मंगा लो उनके लिए, ये यही दोगी क्या? मतलब पेपर का खाना, इमेजिनेशन वाला खाना खा लो है। अरे रियल वाला मिलेगा ना पार्टी में उनको, वो तो वो पार्टी देंगे ना। अब चलो थोड़ी देर रेस्ट कर लो आप। मैं नहीं कर रही, कर लो बेटा, अभी आपकी तबीयत पूरी तरीके से ठीक नहीं है। कल कुहू को पेट दर्द हो रहा था, अब कुहू का दिन में पेट दर्द ठीक था, अब आज कुहू को हाथ में दर्द होने लग गया। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कभी पेट दर्द कभी हाथ में दर्द क्या चल रहा है, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा। दिन में लग रहा था ठीक है बिल्कुल, अब शाम होते होते अब इसको हाथ में दर्द होने लग गया। बेटा आज आपको ना हम क्रोसिन भी देंगे, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ना थोड़ा सा फीवर है अंदर जो आपको परेशान कर रहा है ना? अच्छा फील नहीं हो रहा ना फिर से आपको? क्या हुआ, क्या हुआ बेटा? हाथ में दर्द हो रहा है, अभी देंगे आपको क्रोसिन देती हूँ अभी, ठीक है? रोना क्यों आ रहा है, रोना क्यों आ रहा है, क्या हो गया? रो मत, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा बेटा, हो जाएगा। फ्रेंड्स कुहू की तबीयत आज पूरे दिन ठीक लग रही थी, मॉर्निंग में थोड़ा सा पेट में दर्द बता रही थी बट उसके बाद वो ठीक लग रही थी, लेकिन अब फिर से उसकी तबीयत थोड़ा सा डाउन हो गई है। आज के लिए बाय बाय, हम आगे का व्लॉग अब नहीं कर पाएंगे, उसका थोड़ा सा मेरे को ध्यान रखना है, पता नहीं मतलब कब वो बिल्कुल ठीक होगी, ऐसा लग रहा था अब ठीक है, बट आज के लिए बाय बाय।